फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे आज का हमारा टॉपिक है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फ्रेश वाटर क्या होता है फ्रेश वाटर की न्यूमेरिकल डेफिनेशन क्या है और कौन कौन से सोर्सेज हैं फ्रेश वाटर के उसके अलावा हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को इन टू द फ्रेश वाटर और उसके अलावा क्या रीज़न है कि हमें इस बायोडाइवर्सिटी को मेनटेन रखना है और फर्दर जो हमारे पास फ़्रेश वाटर में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज़म्स प्रेजेंट हैं सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इज़ फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर क्या है फ्रेश वाटर वो वाटर है जिसमें साल्ट की कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होगी बिल्कुल नि निकलिजिबल होगी लो कंसनट्रेशन होगी डिज़ोल्व सॉल्टस की और हम ये भी कह सकते हैं कि जो टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स होंगे उनकी कंसनट्रेशन बहुत कम होगी और नेचुरली जो फ्रेश वाटर है वो होता है आइस शीट्स में आइस कैप में ग्लेशियर्स में आइस बर्गस में बॉक्स में पॉन्ड्स में लेक्स में रिवर में और स्ट्रीम्स में मेरिकल डेफिनेशन हमारे पास क्या है फ्रेश वाटर की फ्रेश वाटर इज टर्म ऑफ वाटर दैट हैज नो एप्रिशिएबल सिलेटी दैट इज अ लो सॉल्ट कंसेंट्रेशन। मतलब इसकी जो सिलेनिटी होगी अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व सॉल्टस होंगे वो बहुत कम होंगे सिलेनिटी क्या होती है द अमाउंट ऑफ डिज़ो सॉल्ट कंटेन इन वाटर होगी सिलेनिटी लो होगी अब इसकी सिलेनिटी कितनी होगी इसकी सिलेनिटी जो लो होगी सेवन पार्ट्स पर थाउजेंड और उसके अलावा अगर हम मिलियन की बात करें तो हमारे पास फाइव हंड्रेड पार्ट्स पर मिलियन जो होगा हमारे पास डिज़ोल्व सॉल्टस होंगे और बाकी जो है हमारे पास वाटर होगा उसके अलावा जो फ्रेश वाटर है सिर्फ टू परसेंट है टोटल अर्थ पे यानी कि अर्थ की सरफेस पे जो टोटल वाटर है फ्रेश वाटर है वो सिर्फ टू परसेंट है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस इकोसिस्टम को इफेक्ट करे हैं वो है ए बायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स बायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं बायोमीन लाइफ मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इफेक्ट कर रही हैं एक इको को तो वो होंगे बायोटिक फैक्टर्स और ए बायोटिक फैक्टर्स नॉन लिविंग बींग्स अगर लॉन नॉन लिविंग कंपोनेंट्स अगर इफेक्ट कर रहे हैं एक इको को तो हम उनको ए बायोटिक फैक्टर्स कहेंगे अब ए बायोटिक फैक्टर्स में कौन कौन से नॉन लिविंग कंपोनेंट आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल वाटर एटमोसफेयर टेम्परेचर सॉयल सनलाइट और विंड ये वो एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो कि फ्रेश वाटर में बायोडाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट करेंगे और इन्हीं को मेंटेन करने से भी फ्रेश वाटर में बायोडाइवर्सिटी जो है वो भी मेंटेन हो सकती है नेक्स्ट हमारे पास क्या है बायोटिक फैक्टर्स हैं बायोटिक फैक्टर्स में हमारे पास आ जाता है बैक्टीरिया फनजाई वायरस हर्बिवर्स, निमाटोड्स ये सारे जो हमारे पास हैं वो बायोटिक फैक्टर्स हैं और अलावा आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि इन्हीं बायोटिक फैक्टर्स की वजह से कुछ मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज आता है बायोडाइवर्सिटी में अब माइक्रोबियल बायोडाइवर्सिटी में हमारे पास कौन से वो फैक्टर्स हैं कौन से वो एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो कि बायोटिक फैक्टर्स को इफेक्ट कर रहे हैं वो है सबसे पहला है हमारे पास टेम्परेचर सेकेंड वन इज पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट उसके बाद हमारे पास है मिक्सिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट इन टू द फ्रेश वाटर एज फ्रेश वाटर ग्लेशियर मेल्ट देअर वाटर एंटर इंटू द स्ट्रीम्स एंड रिवर द कॉन्टीन्यूस फ्लो ऑफ वाटर इन स्ट्रीम एंड रिवर प्रिवेंट द डिवेलपमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट प्लैक्टोनिक कम्युनिटीज जब हमारे पास क्या होगा वाटर बो का फ्लो बहुत ज़्यादा होगा तो वो कॉन्टीन्यूस फ़्लो जो है स्ट्रीम का या किसी भी रिवर का वो प्रिवेंट करेगा रोकेगा डिवेलपमेंट को किसकी डिवेलपमेंट को सिग्निफिकेंट प्लैंकटोनिक कम्युनिटीज जो हमारे पास सिग्निफिकेंटली प्लैंकटोनिक कम्युनिटीज होंगी उनको डिवेलप होने से ये कॉन्टीन्यूस फ़्लो जो है वो प्रिवेंट करेगा रोकेगा नेक्स्ट हमारे पास है सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट के साइज रिवर के साइज और स्ट्रीम के साइज़ पे डिपेंड करता है कि सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट क्या होगा सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट बेसिकली टू टाइप्स का होता है ऑटोक्थोनस एंड एलोक्थोनस ऑटोक्थोनस वो सोर्स है जो कि स्ट्रीम के अंदर ही ऑर्गेनिक मटेरियल कोई प्रेजेंट होगा और वो फर्दर यूटिलाइज करेंगे ऑर्गेनिज्म जबकि एलोक्थोनस जो है न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे कम आउटसाइड ऑफ द स्ट्रीम यानी कि कोई भी लीव गिर जाएंगे कोई भी ऐसी चीज़ ऑर्गेनिक मटीरियल जो है वो पानी में गिर जाएगा जिससे फर्दर ऑर्गेनिज्म अपनी न्यूट्रियट्स लेंगे नेक्स्ट हम देखेंगे कि इक्वेटिक सिस्टम में इक्वेटिकको सिस्टम में हमारे पास कौन कौन से ग्रुप हैं कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हैं प्लैक्टोन है plankton, जो कि सरफेस के पास होते हैं नेक्टोन जो है वो फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म है मोस्टली इनमें फ़िश और टर्टल्स आ जाते हैं और बेंथोस जो है वो बॉटम बॉटम ड्यूलिंग है यानी कि वो समंदर पानी की तह में प्रेजेंट होंगे वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे पानी की तह में प्रेजेंट होंगे लाइक मसल्स वम्ब्स और मैनी डिकम्पोजर्स अब इनको वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करते हैं प्लैंकटॉन्स प्लैंकटॉन्स आर द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म प्लैंकटॉन्स को हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है बहुत स्मॉल इन स्मॉल साइज होते हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते ये वाटर की सरफेस पे फ्लोट करते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं और ये इतने वीक होते हैं कि वाटर करंट के अगेंस्ट मूवमेंट नहीं कर सकते और ये सस्पेंडेड होते हैं वाटर में और मोस्टली ये एज आ फूड सोर्स यूज होते हैं लार्जर एनिमल्स के लिए इनमें आ जाते हैं एल बैक्टीरिया प्रोटोजॉक क्रस्टिशियन मुलस्क एंड सील टाइप्स ऑफ तो प्लैंकटॉन प्लैंकटॉन्स दो तरह के होते हैं फाइटो प्लैंकटॉन्स एंड जू प्लैंकटॉन्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है फाइटोमीन प्लांट्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स दैट प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड फॉर एन एकटिक इकोसिस्टम और फाइटो प्लैंकटॉन्स क्या है फाइटो प्लैंक्टॉन्स वो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं जो कि फूड की प्रोडक्शन करते हैं फॉर एक्टिक इको सिस्टम जू प्लैंक्टॉन्स हमारे पास माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं लेकिन ये फाइटो प्लैंकटॉन्स से लाज होते हैं इतने लार्ज होते हैं कि ये कभी कभी आँखों से नॉर्मल आई से भी देखे जा सकते हैं एक्टॉन्स जो हैं ये फ्रीली मूव कर सकते हैं ये एनिमल्स होते हैं मोस्टली इनमें फिश ऑक्टोपस उक, स्कूड्स वगैरह आते हैं मतलब क्वाडेट्स, मुलस्क और आर्थ्रोपोड्स आते हैं नेक्स्ट जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेक्टॉन्स, दे हैव लार्ज बॉडी साइज इनका बॉडी साइज बड़ा होता है ग्रेटर स्विमिंग पावर इनकी स्विमिंग पावर प्लैक्टॉन से ज़्यादा होती है मोस्ट नेक्टॉन एनिमल्स आर वर्टिब्रेट्स एंड मोस्ट वर्टिब्रेट्स आर फिशेस। अब नेक्टोन में जो है मोस्टली एनिमल्स जो आते हैं वो वर्टिब्रेट्स होते हैं यानी कि उनकी वर्टिब्रल कॉलम होती है और ये जो मोस्टली वर्टी होते हैं उनमें फ़िशज़ होती हैं एकवेटिक लाइफ में मोस्टली जो वर्टीब्रेड्स हैं उनमें फ़िशज आती हैं ओनली द स्क्ट एंड अ फ्यू स्पीशी ऑफ ट्रूली नेकटॉन इन वर्टी ब्रेड्स अब स्क्यूट और श्रेम्प जो है वो हमारे पास ऐसे नेक्टॉन हैं जो इन वर्टी ब्रेड्स हैं बाकी मोस्टली जो है वो वर्टी ब्रेड्स ही होते हैं फ्यू रेप्टाइल्स टर्टल्स सी स्नैक्स बर्ड्स पेनगुइन एंड मेमल्स इंक्लूड इन दिस ग्रुप बेंथोस वो ऑर्गेनिज्म है जो के पानी की तह में रहती हैं उनको हम बेंथोस कहते हैं और इस जोन को जो है वो बेंथिक जोन कहते हैं और बेंथ बेंथिक ऑर्गेनिज्म में आ जाती है सी स्टार ऑस्टर क्लैम सी कम्बर ब्रिटल स्टार एंड सी अनिमून द मेन फूड सोर्स ऑफ फॉर बेंथोस आर एल एंड ऑर्गेनिक ऑफ फ्रॉम द लैंड ये हमारे पास कुछ बेंथोस के पिक्चर्स हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट करें प्लीज लाइक like करें शेयर करें